खबर खजवाला से है जहां पर जन आंदोलन को सुखद समाचार मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें कि खजवाला और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में यातायात रखने का जो फैसला है वो लगभग तय माना जा रहा है। मंत्री गोविंदराम मेघवाल से देर रात खजवाला का शिष्टमंडल मिला। खजवाला छतरगढ़ को बीकानेर में ही यथावत रखने का ये पूरा मामला है। मंत्री मेघवाल ने आश्वासन दिया और मंडी के व्यापारी और विभिन्न समाजों के वरिष्ठ लोग जो है इस वार्ता में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री आज दोपहर बाद सीएम से मिल सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और सीएम के फैसले के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। खजवाले का मार्केट आज 10वें दिन भी पूरी तरीके से बंद है। सहयोगी त्रिभुवन रंगा बारसत फोन पर जुड़ रहे हैं, और त्रिभुवन, बताया जा रहा है कि 10वें दिन भी खजवाला का जो मंडी है वो लगातार यहाँ पर बंद चल रहा है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? बताया जा रहा है कि शिष्टमंडल ने भी कल मुलाकात की है मंत्री बेगवाल से, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? जी बिल्कुल, जो खजवाला है जो नया सीमांकन हुआ था राजस्थान सरकार की ओर से नए, उसमें खजवाला और छत्तीसगढ़ के जो उपखंड है उनको अनूपगढ़ जिले में शामिल किया गया था। इसको लेकर वहाँ के लोग पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पिछले 10 दिनों से बाजार बंद है। इन 10 दिनों में लोगों ने काफी गिरफ्तारियां भी दी, चक्का जाम भी किया, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एक शिष्टमंडल मिला था, 3 अलग-अलग शिष्टमंडल मिले थे आपदा मंत्री से, उसके बाद सीएम से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि एक बार आप जो कमेटी बनी राम लुभाया उससे बात कीजिए, शिष्टमंडल उनसे भी मिला, लेकिन उस वक्त कोई बात नहीं बनी, आंदोलन और तेज हुआ। अब कल जो शिष्टमंडल है इसमें सभी प्रबुद्ध जन खजवाला और छत्तीसगढ़ जिले क्षेत्र के लोग हैं, वो मंत्री मेघवाल से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ और खजवाला है उसको यथावत बीकानेर में ही रखा जाएगा। इसको लेकर हालांकि लोगों में खुशी है, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे आपदा मंत्री गोविंद राम, उसके बाद जो तय होगा, उसके बाद जो मुख्यमंत्री नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके बाद यहाँ के लोग है जो शांत होंगे। हालांकि जिस तरह के सूत्रों से हवाले से जो खबर मिलती है उसे लगभग तय माना जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ और खजवाला है उसको बीकानेर जिले में ही यथावत रखा जाएगा, हालांकि बाजार आज भी पूरी तरह से बंद है। जी ठीक है, ठीक है त्रिभुवन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।